मुंबई के मलाड में इवेंट के लिए जब भी किसी कॉलेज का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है देवी प्रसाद गोयनका मैनेजमेंट एंड कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडी का, जिसके द्वारा हर साल मुंबई मीडिया चैंप्स इवेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस साल भी DGMC द्वारा आयोजित मुंबई मीडिया चैंप्स इवेंट में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर उक्त इवेंट को सफल बनाया। रात को कभी भूख लगती है? पेट वाली भूख? सो द होल पॉइंट इज, जब भी रात को भूख लगे और आप रात को बाहर निकलो तो आपको पहले खाना नहीं मिलता है, आपको मिलता है पांडू। बिकॉज यू इन बॉम्बे यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम कॉप्स। दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज अ रियल स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। रात को लेकिन हमें बहुत अच्छी ढूंढे मिल गया पांडू, बहुत अच्छा ढूंढे। रात को लेकिन हमें बहुत अच्छी ढूंढे मुझे मिल गया पांडू, बहुत अच्छा ढूंढे। रात भर उठते मुझे रंग में समाया, सुबह को मेरे वो बहुत नाइट था, सुबह को बाप मेरा छुड़ाने मुझे आया था, पांडू ने उसे मुझे नशे नहीं बताया था। सुबह को बाप मेरा छुड़ाने मुझे आया था, पांडू ने उसे मुझे नशे नहीं बताया, बंद दिया उसे मैं नशे से बना मेरे मुझे मुझे मैं तुझे रात को लेकर हमें बाबा जी घूमे मिल गया पांडू, बोला चल घूमने चल 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 घूमने चल साले। देवी प्रसाद गोयनका कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर कुमार दत्त गंजीरे की यदि माने तो कॉलेज प्रांगण में आयोजित मुंबई मीडिया चैंप्स इवेंट को सफल बनाने के लिए मुंबई के लगभग 48 कॉलेज ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया। देवी प्रसाद गोयनका मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडीज़ मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। पिछले हम 3 साल से मुंबई मीडिया चैम्प्स नाम का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मोर देन 10,000 के ऊपर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी हमको अच्छा रिस्पांस मिला है, 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फुटफॉल हुआ है, 30 से ज़्यादा स्पॉन्सर कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दिया है, इन काइंड इन कैश ऑल्सो, एंड इट्स अ वेरी एनकरेजिंग एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स। मुंबई की मशहूर आरजे सना खान की यदि माने तो DGMC द्वारा आयोजित मुंबई मीडिया चैंप्स इवेंट में 5 प्रतिस्पर्धियों ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने इस इवेंट में आमंत्रित किए जाने पर कॉलेज प्रबंधन का शुक्रिया अदा किया। DGMC कॉलेज का इवेंट है एंड यहाँ पर इन स्टूडेंट्स ने बहुत प्यार से इनवाइट किया है एक आरजे इवेंट के लिए, एंड क्योंकि मैं आरजे हूँ मुंबई में तो सोचा कि शायद मैं बेस्ट जज हो सकती हूँ इस कॉन्टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट्स थे और उन्होंने उन्हें एक एक टॉपिक दिया गया, उन्होंने बात की आरजे स्टाइल में और वो सब एस्पायरेंट्स हैं और उनको आरजे बनना है, तो काफ़ी सारे उनको टिप्स दिए, बताया कैसे बनते हैं, कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, एंड दे वर ऑल वेरी गुड। प्रॉपर रॉक नाम से मशहूर रक्ष बैंड के रचयिता हर्षित चौहान इस इवेंट में आमंत्रित किए जाने से फूले नहीं समाए। उन्होंने कहा कि किसी भी इवेंट में बतौर जज की भूमिका निभाना एक कड़ी चुनौती के समान होती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धियों के टैलेंट भी कमाल के होते हैं, ऐसे में उन्हें जज कर पाना काफी मुश्किल भरा होता है। तीसरे साल मुझे इन्होंने कंटिन्यूसली बुलाया ये इवेंट जज करने के लिए और बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि बहुत कमाल के टैलेंट्स देखने को मिलते हैं हर साल यहाँ पे, हमेशा नए नए टैलेंट इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड आई होप कि ऐसे प्लेटफॉर्म के बाद में वो आगे हम फ्यूचर में भी उनको कहीं पे बॉलीवुड में या कहीं पे भी जो जॉनर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे हम बढ़ें और आगे हम उनको कहीं देखें कि अरे यार याद रहे कि यार इनको मैंने कभी कॉलेज में जज किया था, एंड सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी coming back to MMC and judging such amazing talents. हर्षित को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इवेंट के दौरान अपने फन की आभा बिखेरने वाले कलाकारों को बॉलीवुड में एंट्री करने का ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। वैसे DGMC द्वारा आयोजित पिछले साल के मुकाबले इस साल के इवेंट में कलाकारों ने अपनी कला का काफी बेहतर प्रदर्शन किया। कुल 6 बैंड में से 4 बैंड ऐसे थे जिनके बीच कड़ा मुकाबला था। पता है इन सबसे खतरनाक क्या होता है? इन सबसे खतरनाक होती है ये हंसती हुई लड़कियां, प्यारी प्यारी को
गोरी गोरी प्यारी प्यारी गोरी गोरी किसी को भी है देखो ये शहर की लड़कियां नफरत के लेकिन ज्यादातर लोगों ने MH43 बैंड की जमकर तारीफ की। उसी तरह हर्षित चौहान ने भी अपना मुहर MH43 बैंड पर लगाया। हमारा फेवरेट और कॉलेज का जो फेवरेट है वो तो आपने देख ही लिया, उनका नाम है MH43 वॉज द बैंड, जो अभी मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता, बट दे वर फैंटास्टिक एंड आई थिंक आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हमको भी कुछ सीखने को मिला है उनसे। हम एज अ बैंड भी उनसे कुछ दो तीन चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव लेके जाएंगे और हमारे शो में इम्प्लीमेंट करेंगे। 24 और 25 जनवरी को DGMC द्वारा आयोजित इस इवेंट में स्टूडेंट द्वारा किए गए एंकरेजमेंट और पार्टिसिपेशन में जो कुछ भी देखने को मिला वो वाकई दिल को छू लेने वाला रहा। यदि इसे हम मुंबई का मेगा इवेंट कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कार्यक्रम में फाइन आर्ट्स, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म और एंटरटेनमेंट से संबंधित कलाकारों का अभिनय भाव विभोर कर देने वाला रहा। कुल मिलाकर मुंबई के देवी प्रसाद गोयनका मैनेजमेंट एंड कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडी ने अब ये संकल्प लिया है कि आने वाले सालों में वे इससे भी बड़े पैमाने पर इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि इवेंट के मामले में जब भी किसी कॉलेज का नाम लिया जाए तो वो नाम हो DGMC यानी देवी प्रसाद गोयनका मैनेजमेंट एंड कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडी का। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।